पाकिस्तान की नई चाल हुई नाकाम। पुलवामा जैसा आतंकी हमला रोका भारतीय सेना ने। आतंकियों के कहर से दहला जम्मू, ग्रेनेड से लेकर चले लॉन्चर तक। इसराइल की तर्ज पर भारत ने रातों रात बिछा दिए 6000 कैमरे LOC पर। 200 से अधिक घातक ड्रोन, आखिर क्या करना चाह रहे हैं भारत LOC पर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अब एक बार फिर अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए फिर से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। जम्मू के सीधरा इलाके में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ये 4 आतंकवादी कश्मीर की ओर से ट्रक पर सवार होकर आ रहे थे, तभी जांच के दौरान उन्होंने जवानों पर फायरिंग कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। हालांकि ट्रक का ड्राइवर भागने में सफल रहा और एनकाउंटर के बाद सेना JCB से ट्रक को तोड़ रही है। दरअसल सीधरा इलाके में बुधवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। आतंकवादी एक ट्रक में आए थे जिसे पुल के पास रोका गया और उसके बाद आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सेना के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की और इस मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए, मगर ट्रक का ड्राइवर भागने में सफल रहा। JCB से ट्रक को तोड़ा जा रहा है। इसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया और फिर यह मालूम हो गया कि ट्रक में और क्या हो सकता है। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुई और आतंकवादियों को मार गिराने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया था। आतंकवादियों को तभी पुल के पास उस समय रोका गया था जब वे एक ट्रक से कश्मीर जा रहे थे। ADGP मुकेश सिंह ने कहा कि ट्रक की जब तलाश ली गई उसमें आतंकी मौजूद थे और उन्होंने फायरिंग कर दी। ये आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे। दोस्तों, इससे पहले 20 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के सोपिया जिले में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। कश्मीर क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बताया कि 3 में से 2 आतंकवादियों की पहचान हो गई है और वह आम नागरिकों की हत्या में शामिल थे। एक आतंकवादी की पहचान लतीफ लोन के तौर पर हुई है, जो कश्मीरी पंडित पुराण कृष्ण भट्ट की हत्या में कथित तौर पर शामिल था। वहीं दूसरे आतंकवादी की पहचान उमेर नजीर के तौर पर हुई है, जो नेपाल के तिल बहादुर थापा की हत्या में कथित तौर पर शामिल था। दोस्तों, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सोपिया के जैनपुरा इलाके में मुंझ मार्ग में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था, जो बाद में एक मुठभेड़ में तब्दील हो गया। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। मौके से 1 AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद हुई थी। लेकिन दोस्तों, अब लगातार हो रहे आतंकी हमलों को देखते हुए और लगातार LOC सीमा पर ड्रोन के माध्यम से हथियारों की सप्लाई हो रही है, उसको देखते हुए भारत ने इसराइल की तर्ज पर LOC सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया और इतनी सख्त सिक्योरिटी कर दी कि अब परिंदा भी पर मारने से डरता है। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इसराइल की तरह अत्याधुनिक बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर कैमरे होंगे, दूर से ही दुश्मन पर नजर रखने के लिए तीसरी आंख लगेगी, आसमानी निगरानी होगी, जरूरत पड़ने पर गोली भी मारी जाएगी, क्योंकि सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमा पर 5,500 सिक्योरिटी कैमरे लगाने जा रही है और सरकार ने इसके लिए 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इनसे सिर्फ कैमरे ही नहीं बल्कि ड्रोन्स और हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर भी मंगाए जा रहे हैं। ड्रोन्स और कैमरे से निगरानी होगी तो रात में थर्मल इमेजर काम आएगा। दोस्तों, BSF के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से घुसपैठ और अवैध गतिविधियां बहुत ज्यादा होती है, यह एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान सैन्य बल के पास फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है ताकि हम पाकिस्तान ड्रोन्स का करारा जवाब दे सके। आने वाले समय में देश के सैन्य बल दुश्मन ड्रोन्स को खोजने और मार गिराने के नए तरीके और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। इसके लिए सीमा का सर्विलांस बढ़ाना होगा, वह भी बड़े पैमाने पर। उन्होंने कहा कि इसके लिए काफी ज्यादा सर्विलांस कैमरे और ड्रोन्स की जरूरत है।
ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर सही निगरानी हो सके। दोस्तों अभी बीएसएफ को 5,500 सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे और कुछ अन्य गैजेट्स मिले हैं। ये गैजेट्स गृह मंत्रालय द्वारा जारी 30 करोड़ रुपए में आए हैं। बीएसएफ ने भी कुछ सस्ती सर्विलांस टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसकी मदद से सीमा पर निगरानी की जा रही है। बीएसएफ ने इसलिए टेक्नोलॉजी विकसित की क्योंकि विदेशी वेंडर वही सामान बेहद महंगा बेचते हैं। इनमें सस्ते सेंसर्स और सर्विलांस डिवाइसेज हैं। दोस्तों बीएसएफ के जवान दिन प्रतिदिन सीमा पार से आने वाले ड्रोन्स को मार गिराने में समतावान होते जा रहे हैं। वो आसानी से ड्रोन्स को मार गिराते हैं। इस साल सैन्य बलों ने पाकिस्तान सीमा पर 16 ड्रोन मार गिराए हैं। पिछले साल सिर्फ एक ही इस इलाके में गिराया जा सका था। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान सीमा के पास पिछले साल 114 ड्रोन्स दिखे थे, जबकि इस साल 10 नवंबर तक 218 ड्रोन्स दिख चुके हैं। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग दोगुने ड्रोन्स दिखाई दिए हैं। यह एक बड़ी चुनौती है। एम्स के सर्वर पर हुए साइबर अटैक पर डीजी ने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, अब हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा, तकनीक का सही से इस्तेमाल करना होगा, उसे सुरक्षित बनाना होगा। जहां तक बात रही पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की, तो यहां सभी सही कदम उठाने जा रहे हैं। पाकिस्तान से जो भी ड्रोन मार गिराए जाते हैं उन्हीं में से अधिकतर चीन में बनते हैं। एक भी आतंकी सीमा पार करके देश में आ नहीं पाएगा। पंजाब पुलिस के 300 जवान बीएसएफ की टुकड़ी के साथ डीप पेट्रोलिंग में मदद कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी न हो सके। जहां तक बात रही बांग्लादेश सीमा की, तो वहां पाकिस्तान जितनी बुरी हालत में नहीं है, लेकिन बिना कागजों के लोग सीमा पार करके भारत में आने का प्रयास करते हैं। यहां से भी स्मगलिंग होती है, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की खबरें आती रहती है, गिरफ्तारियां भी होती है। भारत बांग्लादेश सीमा पर घातक हथियारों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अगर दुश्मन हमला करता है तो हमारे जवान घातक हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन चूंकि म्यांमार ड्रग तस्करों का एक बड़ा अड्डा है, इसलिए कई बार म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते भारत में ड्रग तस्कर घुसने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एलओसी सीमा की बात करें तो 1962 के बाद एक यूनिफाइड सेंट्रल आर्म्ड फोर्स बनाने की जरूरत पड़ी ताकि पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा की निगरानी की जा सके। तब 1 दिसंबर 1965 में इस पैरामिलिट्री फोर्स का गठन किया गया। शुरुआत 25 बटालियन से हुई थी, आज इसके पास 193 बटालियन है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तुरंत पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया गया था। 1971 के युद्ध के बाद इसने नए बने देश बांग्लादेश की सीमा की निगरानी की। दोस्तों आज की तारीख में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में करीब 272,000 जवान काम करते हैं। यह देश की 6,386 किलोमीटर लंबी सीमाओं की निगरानी करते हैं। इसके अलावा बीएसएफ को आतंकी और नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर, पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में तैनात किया गया है।